गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इनका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. अगर आपको ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसके लिए मैं PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप वहाँ पे जाके इजली डाउनलोड करके ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी स्टडी कर सकते हैं. स्टार्टिंग विथ टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स होते क्या हैं. तो याद रखिएगा, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, न्यूमेटिक मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एयर का रोल आ रहा है. तो याद रखिएगा, न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स में हम एक जगह से दूसरी जगह जो भी मेरे पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स या फिर अदर बल्क की मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर और विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम. ये आपको नाम से ही क्लियर हो जाता है. जो मेन फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है, मतलब आपको मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो जो मेन फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है वो होता है डिफरेंशियल प्रेशर. जो डेल्टा पी मेंटेन होता है एक जगह से दूसरी जगह के बीच में, वो और जो एयर की फोर्स होती है, ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मटेरियल आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. ये देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर एंड एयर फ्लो. अगर आप ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करते हैं, मींस एयर के फ्लो को और डिफरेंशियल प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, तो उससे आप मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह इजिली कन्वे कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप इस डायग्राम को देखिए. तो मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉलिड पड़ा हुआ है, इस सॉलिड को मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है. तो यहाँ पे मैंने एक वैक्यूम पंप से वैक्यूम लगा रखा है और उस वैक्यूम की पावर की वजह से, मींस वो वैक्यूम जो प्रेशर क्रिएट करता है ना, एक निगेटिव प्रेशर जो क्रिएट करता है, उसकी वजह से ये सॉलिड यहाँ से कैरी होके यहाँ पे आके डंप हो जाता है, जो मेरा मेन रिसीवर है वहाँ पे. ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था. आगे की स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल में इन सब के बारे में बताऊँगा. अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि न्यूमेटिक कन्वेइंग टाइप्स कौन कौन से होते हैं. तो याद रखिएगा कि डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल के नेचर के बेस पे हम इसको तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं. एक होता है आपका डाइल्यूट फेज, एक होता है आपका डेंस फेज और एक होता है आपका सेमी डेंस फेज. अब डाइल्यूट फेज, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि डाइल्यूट फेज में आपके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं विद इन अ पाइप, जिसकी वजह से दे आर सस्पेंडेड इन कन्वेइंग एयर. ये जो कन्वेइंग एयर है वो उसमें इजिली सस्पेंड होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड एट लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी. जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उनका प्रेशर कम रहता है और वेलोसिटी ज़्यादा रहती है. बट डेंस फेज में आपके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और इस केस में आपका जो कन्वेइंग एयर है उसमें आपका प्रेशर हाई होता है और पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम होती है. और अगर हम बात करते हैं सेमी डेंस फेज की, ये जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, ये बेसिकली पाइप के अंदर कितना मटेरियल जो हमें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे तीन तरीके से क्लासीफाई किया जाता है. और सेमी डेंस मटेरियल्स, ये आपका डाइल्यूट फेज और डेंस फेज के अगर बीच में आपका मटेरियल आपका बिहेव कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेमी डेंस फेज. तो डिपेंडिंग अपॉन आपका मटेरियल कैसा है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके वो किस वेलोसिटी पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, उसके बेस पे हम इसको तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं. नाउ आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स का सेलेक्शन कैसे करते हैं. तो याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ होती है मटेरियल का नेचर कैसा है. लाइक आपका जो क्या पार्टिकल साइज है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, पार्टिकल का शेप कैसा है. सेकंड, उसके बीच में फोर्सेस कैसी हैं, जो मतलब वेरियस पार्टिकल्स को एक साथ में ज्वाइन करके रखती हैं, उस तरीके की जो कोहेसिव फोर्सेज रहती हैं वो विद इन पार्टिकल्स कैसी फोर्सेज हैं, ये सारा नॉलेज होना आपको ज़रूरी होता है. सेकेंड, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप का बजट आपको कितना अलाउ करता है, उसके हिसाब से भी आप इक्विपमेंट सेलेक्शंस पे जाते हैं कि आपको किस तरीके का न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है. थर्ड वन इज़ वैक्यूम अब्लिक प्रेशर अवेलेबल, कि आपको कितना वैक्यूम या फिर कितना प्रेशर आपके पास में अवेलेबल है. पता चला आपके पास में लो वैक्यूम इंजेक्टर है तो आप उसके हिसाब से प्लान करोगे, या फिर आपके पास में कितना प्रेशर अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन दैट भी इसका सेलेक्शन होता है. थर्ड वन इज़ सिस्टम साइज, कि आपको कितना बड़ा सिस्टम लगाना है, उसके बेस पे भी आप न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं. थर्ड वन इज कितना मटेरियल है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर आउट करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि कितना डिस्टेंस है, जहाँ जितना आपको एक मटेरियल को दूसरी जगह पे भेजना है वो डिस्टेंस कितना है। ये बेसिकली सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको एक न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम लेने से पहले ये सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम की। तो देखिए, अगर आप बेसिक बात करते हैं तो ये आपके दो तरीके से कन्वेइंग सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आइदर इट्स बाई पॉजिटिव कन्वेइंग या फिर एक होता है आपका निगेटिव कन्वेइंग। पॉजिटिव कन्वेइंग के केस में यहाँ पे एक ब्लोअर लगा हुआ रहता है, एंड निगेटिव कन्वेइंग के सिस्टम में यहाँ पे ब्लोअर नहीं होता है, बट ये जो स्टोरेज साइलो यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस साइलो के पास में एक आपका वैक्यूम पंप लगा हुआ रहता है। ये आपके पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके की कन्वेइंग होती है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर आप ब्लोअर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव कन्वेइंग, और अगर आप यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे अगर आप वैक्यूम पंप लगा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, तो यहाँ पे वो आपका निगेटिव कन्वेइंग कहलाता है। याद रखिएगा, इसके बेसिक पार्ट्स में आता है आपका प्रेशर ब्लोअर। जैसे यहाँ पे ये ब्लोअर लगा हुआ है, इस ब्लोअर का बेसिकली काम है जो भी आपका पाउडर है उसको एक जगह से दूसरी जगह अपनी फोर्स से मूव करवाना। बेसिकली जो ब्लोअर का सिलेक्शन रहता है, इसमें उसका जो CFM रहता है, जो एयर का फ्लो रहता है, वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो आपको कितना मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, किस वेलोसिटी से ट्रांसफ़र करना है, वो सारी चीज़ों के बेस पे आप अपना जो ब्लोअर है उसके CFM आप डिसाइड करते हैं। सेकेंड वन इज़ वैक्यूम पंप। अगर आप निगेटिव कन्वेइंग सिस्टम में है तो यहाँ पे ब्लोअर ना होके यहाँ पे आपका वैक्यूम पंप लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। थर्ड वन इज़ एयर रोटेटरी एयर लॉक वॉल्स। ये इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, बट ये जो पाथवे रहता है, मीन्स यहाँ से आपने मटेरियल कैरी फॉरवर्ड किया, इसी के जस्ट आगे यहाँ पे आपका रोटेटरी एयर लॉक वॉल्स लगते हैं। इन वॉल्स का काम ये रहता है कि ये एयर को लॉस नहीं होने देते हैं, और ये अपने सर्कुलर मोशन की वजह से ये जो आपका पाइप है, कन्वेइंग लाइन है, इसमें ये मटेरियल को एक्सेस वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मीन्स ये एयर के प्रेशर को ड्रॉप भी नहीं करते हैं, और आपके मटेरियल ट्रांसफरिंग में भी आपको हेल्प करते हैं। फोर्थ वन इज़ कन्वेइंग लाइन। ये नॉर्मल आपकी लाइन रहती है जिससे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह कन्वे होता है। फिफ्थ वन इज़ डाइवर्टर वॉल्व। डाइवर्टर वॉल्व मैंने इस पिक्चर में नहीं दिखाया है। डाइवर्टर वॉल्व बेसिकली एक थ्री वे वॉल्व रहता है। अगर मान लीजिए आपको ये मटेरियल यहाँ पे दो साइलोज में ट्रांसफ़र करना है, इन दैट केस आप ऊपर ही डाइवर्टर वॉल्व्स लगाएंगे, जिसे आप ऑटो कंट्रोल करेंगे। जब एक साइलो भर जाएगा तो ऑटो में वॉल्व दूसरी तरफ ओपन होगा और दूसरे में जाके मटेरियल कलेक्ट होने लगेगा। फिफ्थ वन इज साइक्लोन सेपरेटर्स। साइक्लोन सेपरेटर्स को बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी आपका मटेरियल जा रहा है वो मटेरियल आपका प्रॉपर तरीके से पाउडर्ड फॉर्म में नीचे गिरे, और इसके ऊपर आपका वेंट फिल्टर्स लगे रहते हैं साइक्लोन सेपरेटर्स के ऊपर, ताकि उसमें अगर कुछ भी आपका जो भी एयर है वो बेसिकली जो आपका यहाँ पे मटेरियल आ रहा है वो नीचे की तरफ फॉल हो, और जो आपका एयर है वो एयर आपकी ये वेंट फिल्टर से बाहर की तरफ मूव कर जाए। ये जो यहाँ पे साइलो करके लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली आप इसको साइलो बोल सकते हैं, या फिर आपको इसको हॉपर भी बोल सकते हैं। इसी से पहले जस्ट आपका साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ रहता है, वो बेसिकली इस डायग्राम में नहीं प्रेजेंट है। साइक्लोन सेपरेटर का काम ये रहता है कि ये आपका जस्ट सॉलिड को नीचे मूव होने देता है और एयर को ऊपर से वेंट करवा देता है। सो याद रखिएगा, यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर रहता है, साइक्लोन सेपरेटर के बाद में मटेरियल आपका साइलो में फॉल करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज वाइब्रेटर्स। ये जो आपका साइलो रहता है या फिर आपका हॉपर रहता है, इसमें वाइब्रेटर्स भी लगे हुए रहते हैं। अब आप बोलेंगे वाइब्रेटर्स क्यों, तो याद रखिएगा कई बार मटेरियल का नेचर ऐसा रहता है कि वो जब एक जगह पे कुछ देर तक रुकता है तो वो वहाँ पे बिल्कुल चिपक सा जाता है वॉल्स पे। तो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल नेचर, अगर आपके मटेरियल का नेचर स्टिकी है, इन दैट केस आप यहाँ पे वाइब्रेटर्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल्स पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट होता रहेगा और वो मटेरियल्स को वॉल पे चिपकने नहीं देता है। एंड फाइनली बॉटम में आप देखेंगे तो एक डिस्चार्ज वॉल्व लगा हुआ रहता है, जिससे आप मटेरियल को नीचे की तरफ डंप कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स के, तो याद रखिएगा कि इट्स इजली कॉन्फिगर्ड। इसका कॉन्फिगरेशन काफ़ी इजी रहता है। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, इसके लिए काफ़ी कम जगह की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ टोटली एनक्लोज्ड, ये पूरी तरीके से एक एनक्लोज सिस्टम है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल कन्वेयर्स। इसमें जो मूविंग पार्ट्स रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम आता है।
डस्ट कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी होती है इसके केस में, बिकॉज इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ओपन पार्ट्स काफ़ी कम रहते हैं, इट्स मेंटेनेंस इज़ वेरी लो एंड इट इज़ ईज ऑफ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, इसको इजिली ऑटोमेट एंड कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की भी न्यूमेटिक सिस्टम्स की। तो अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो याद रखिएगा उसके केस में जो आपके न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स होते हैं इसमें हमेशा पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल सिस्टम्स के। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें आप एयर की प्रेशर से या फिर वैक्यूम लगा के आप मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहे हैं, इस वजह से इसमें जो मोटर लगती है वो हमेशा हायर कैपेसिटी की होती है इन कंपैरिजन टू आपका मैकेनिकल कन्वेइंग सिस्टम्स के। थर्ड वन इज़ कि इसमें जो डस्ट कलेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो आपकी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल कन्वेइंग सिस्टम्स, बिकॉज इसमें आपको डस्ट कलेक्टर्स में एयर को भी सेपरेट आउट करना पड़ता है, जो एयर आपकी मटेरियल को कैरी कर रही है आपको उसको भी वहाँ से सेपरेट आउट करना है, तो डस्ट कलेक्टर्स भी आपको बड़े साइज़ के चाहिए रहते हैं। एंड द लास्ट वन कि ये हर तरीके के मटेरियल्स में अप्लाई भी नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपका मटेरियल ऐसा है जिसकी बल्क डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और जिसका नेचर काफ़ी स्टिकी है, इन दैट केस ये आपका वहाँ पे सूट नहीं होता है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ में दोबारा मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।